थिंक अभी कहीं पे भी आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है अभी आप सबने फोकस करना चाहिए ऑन डिसेंबर अटैम्प्ट 100% फोकस करना चाहिए पे।, पे. हां आप में से जो ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉपीज के अंदर कुछ इशू हुआ था जून अटेम्प्ट के अंदर उनको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंगली आई बिलीव उन्होंने मेल कर दिया होगा एंड एवरी वन इज दस टू केस बेसिस पे उनमें से सब बच्चों की कॉपी को एक बार आईसीएसआई वापिस देखेगा और वहां पर जहां जहां उनको लगता है कि एक्चुअल एर है वहां पर इसके ऊपर स्ट्रगल चालू है इसके ऊपर स्ट्रगल अभी भी चालू है बट वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दट यू शुड हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन स्टडीज इस पूरे डिस्कशन में अब एक्टिवली आप लोगों का काम नहीं है अगर आप मेल कर चुके हैं तो बिकॉज़ 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 अगर आप बच्चे अभी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं करते हैं दिसंबर अटेम्प्ट में बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखते हैं देन द एंटायर थिंग इज रिडंडेंट ये पूरा सब कुछ चल रहा है ये रिडंडेंट है रिडंडेंट है, है पूरा रिडंडेंट है कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे चेंजेस लाए जाएं. इमीडिएटली केस टू केस बेसिस पे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया ही जा सके जिन बच्चों की कॉपीज के अंदर एरर है उसके अलावा भी जो भी चेंजेस हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो सब लाने की कोशिश की जा रही है बट आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू गिव यूर हंड्रेड परसेंट स्टडीज अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे लेकिन आशा करते हैं ऑब्वियसली आशा करते हैं कि बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 100% परसेंट इंश्योर करो यारो दर यू आर बिकॉज अगर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनेशन लिखते हैं सिर्फ तब सिर्फ तब सिर्फ तब ऑल दब ऑलोजें बिकॉज अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे अच्छे से तो अटेम्प्ट में आपका आंसर क्वालिटी नहीं होगा देन ये सब करने का फायदा क्या अगर क्वालिटी आंसर है ही नहीं तो तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू शुड फोकस ऑन डिसम्बर अटैम्प्ट नाउ जी जान से भिड़ जाओ अभी थोड़े समय से आई थिंक हम सब भी बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हो गए इस कारण से बहुत जल्दी आप लोगों के लिए तूफान रिविजन भी लाते रहेंगे एम सी एस के लिए हम कम अप विद अ वर्कशॉप बहुत कुछ करेंगे यारो डिसंबर अटैम्प्ट के लिए आप लोग अपने लेवल पर तूफान तरीके से पढ़ाई चालू कर दो ठीक है आई हैव ऑलरेडी शेयर ऑल ऑफ माई रिजन एन एवरी थिंग अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के लिए सर अभी खुद से पढ़ाई का इतना मन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट रिविजन देखना शुरू करो राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो अपने एंड पे जहां जहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उस पर काम करना शुरू करो ताकि डिसंबर अटेम्प्ट में एक परसेंट की भी कमी ना हो सके वेरी क्लियर हां ऑब्वियसली जिन बच्चों की ने जून अटेम्प्ट दिया है और उन बच्चों की कॉपीज के अंदर कुछ उनको चेकिंग एरर लगता है उन बच्चों ने को एक बार वापस और जहां -जहां केस बनेगा वहां पर मार्क्स देगी यही कोशिश चालू है एंड स्पेशली गाइडलाइन आंसर में जो मिस्टेक थी उसके कारण अगर किसी के कम तो 100 वो बढ़ाने की, हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है एंड आई बिलीव वो बढ़ने ही चाहिए और वो बढ़ेंगे ही सही आईसीएसआई के अंदर अभी बहुत सारे काउंसिल मेंबर्स एक्चुअली एक्टिवली हेल्पिंग एंड एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें आगे बढ़े एंड बहुत प्रेम से हम लोग एक बेटर सिस्टम डेवलप कर पाएँ तो एवरी वन विंस देर एवरी वन विंस एंड ट्रस्ट मी वन आई से ऑल ऑफ योर टीचर्स आर वर्किंग रियली हार्ड ऑल ऑफ योर

तो श्योर कि वो सब नहीं हो एंड बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें वील डू आर टास्क यू फोकस हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑन पढ़ाई प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ